योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों को जन्माष्टमी से पहले ही पेंशन का तोहफा मिलना शुरू हो गया है। जो जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन है और यह 3,000-3,000 रुपये पेंशन धारकों के खाते में भी डलना शुरू हो गया है और आप इसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं वह भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ साथियों, अप्रैल मई जून की जो पेंशन है वह पेंशन लाभार्थियों को मिल चुकी है, जिसमें दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी है। और अब पेंशन धारकों को जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन का इंतज़ार है, जो 3,000-3,000 रुपये पेंशन धारकों के खाते में आने वाले हैं। तो यह 3,000-3,000 रुपये मिलना भी शुरू हो चुके हैं। तो आप इसे कैसे देख सकते हैं और हम आपको कुछ सबूत भी दिखाएंगे, जिसमें दिखाएंगे कि किस तारीख में पेंशन को डाला गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पेंशन धारक का जो डाटा है वह हमने खोला हुआ है यहाँ पर, जबकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वह हमने ब्लर की हुई है। यहाँ पर एप्लीकेशनर आईडी देख सकते हैं, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और यहाँ पर स्कीम कोड आप देख सकते हैं, यूपी 232 और पेमेंट नाम है पेंशन टू विडो, यानी कि विधवा पेंशन का यह पैसा है। आधार नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर IFSC कोड, बैंक का नाम और यहाँ पर 3,000 रुपये का आप यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं, जिसकी रिक्वेस्ट डेट थी 8 अगस्त 2024 और वैलिडेशन स्टेटस में आप यहाँ पर देख सकते हैं वैलिडेट 8 अगस्त 2024 है और जो फंड अप्रूव हुआ है एजेंसी के द्वारा वह 13 अगस्त 2024 को हुआ है। और यहाँ पर जो सेंट बैंक में आप देख सकते हैं 15 अगस्त 2024 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि यह पेमेंट अभी पेंडिंग में है, अभी पेंशन धारक के खाते में यह पेमेंट नहीं पहुँचा है, या तो अभी कुछ कारणों से यह पेमेंट नहीं आया होगा, लेकिन जल्दी यह पेमेंट सक्सेसफुल भी हो जाएगा और पेंशन धारक के खाते में यह पेमेंट आ जाएगा। तो आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेंशन है जुलाई अगस्त सितंबर का वह अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यह आप कैसे चेक कर सकते हैं वह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल ब्राउज़र पर आना है और PFMS सर्च करना है। यहाँ पर आप देखिएगा PFMS ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यह आ जाएगी, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर DBT स्टेटस ट्रैकर लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे देखिए ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे हमने सेलेक्ट कैटेगरी पर यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अपना जो एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम है यह सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो ब्लू टिक पेमेंट पर बना हुआ है ये बने रहने देना है और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी इंटर आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चर कोड जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर डाल के आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद आपके सामने आपका पूरा बायोडाटा निकल कर आ जाएगा कि आपका पेंशन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो साथियों, आप इस तरीके से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा।